continuing with that, rationalization questions, ठीक है, उसके questions continue करें. MPS tutor. हाँ हाँ ठीक है बच्चों, चलो question करो अपनी तो. Limit extending to under root of 1 plus 2 plus x minus root 3 divided by x minus 2. Chalo jab चलिए करो फिर दूसरा देता हूँ. कमांड हरी अप. क्या भाई हो गया क्या? सांस भेज है. सही है, सानिध्य सही है. चलो डिस्कस कर रहे हैं.
What do you see here? 1 by ठीक है, मेरे साथ देख लो, enough time, limit extends to 2, नीचे 0 by 0 जा रहा है, rationalize करेंगे, तो ऊपर a plus a minus b, that is minus 3, और नीचे वाले में तो अपन directly ds लगा के आगे बढ़ते हैं बच्चों, correct? Yes. Yes, sir. So, ऊपर कितना हो गया देखो, root 2 plus x minus 2, नीचे x minus 2, और इसका आंसर root 4, that is 2, 1 plus 2, 3, 3 root 3 plus root 3, 2 root 3. Obviously, सबको पता है, इसको वापस क्या करूंगा, मैं rationalize करूंगा, correct? Yes, sir. और नीचे वाले पे डायरेक्ट ds लगा दूंगा, 2 plus 2 plus 2. So, ये हो गया 2 plus x minus 4, that is x minus 2, नीचे x minus 2, into 2 root 3, into 4. The answer is 1 by 8 root 3. Copy first. डाउट तो नहीं है बच्चों? नो सर. नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं? सर. यस सर. चलो स्टार्ट करो ये. Yes. Sir, previous page दिखा दो तुम स्क्रीन शॉट पे. क्यों बच्चे? Previous अब क्यों? So network issue. अभी तो ये क्वेश्चन करने थे सबको. चल देख ले एक सेकंड के लिए. Yes, sir. Thank you. क्यूब है, उसको रैशनलाइज करना थोड़ा अटपटा लग रहा होगा. कम ऑन. यस सर. थिंक थिंक. Thank you.
Yes, Gaurav. बाद में तो मैं उससे भी अच्छा मेथड बता दूंगा, बट अभी मैंने तुम्हें इसका सॉलिड मेथड नहीं बताया, तो अभी तो आपको वही करना पड़ेगा. क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब, करेक्ट एवरीवन? यस सर. शुड आई डू इट नाउ या यू आर ट्राइंग? कीप ऑन ट्राइंग, बोलो. वन मिनट सर, ट्राइंग. ओके ओके. ओके, इनफ टाइम. अब तो डिस्कस करें. यस. ऐसे क्वेश्चन बहुत दूंगा आज मैं, तो इसे मेरे साथ देखो. सी दिस क्वेश्चन. हम क्या कर सकते हैं रैशनलाइज करने के लिए, इसको ए मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं, और मुझे पता है क्यूब चाहिए, तो ए माइनस बी को किससे मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों? ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट एवरीवन? Yes. So, imagine कर लो मैंने वो मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे कहना इसे a square plus ab plus b square का क्या होगा बताओ. उस पे लिख के टाइम वेस्ट क्यों करें, उस पे तो ds लगेगा. परफेक्ट. तो a कौन है साइड में लिख दो ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, b कौन है साइड में लिख दो. सो a की वैल्यू ds में वन होगी, तो a square भी वन square होगा. Yes. ab वन इंटू वन, b square वन स्क्वायर, और ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब विथ मी बच्चों. यस सर. कितना लल्लू की तरह हो गया, बट हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, बता रहा हूँ. किसी में मैंने अगर एक क्यूब दे दिया और एक फिफ्थ रूट दे दिया, आप कर पाओगे क्या? फिर उसमें क्या करेंगे, सीखना है. एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, एक्स इंटू एक्स प्लस टू, नीचे एक्स इंटू वन प्लस एक्स इंटू थ्री. x x चला गया, अब जैसे कैंसिल हो जाता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म हट जाता है, फिर क्या लगाते हैं हम? ds. yes ds. लेट मी नो कोई इश्यू है तो. ओके, आई थिंक कॉपी हो गया होगा सबका. कैन आई टर्न? सर जस्ट अ सेकंड सर. सर इज ही कॉपिंग. वी हैव डन टू मेथड्स, टेल मी व्हाट आर दे. रैशनलाइजेशन एंड रैशनलाइजेशन. तीसरा. यस सर. तीसरा इज सब्स्टिट्यूशन. अभी आई होप यू हैव नोटिस, मैं ज्यादातर सब जीरो बाय जीरो ही दे रहा हूँ, करेक्ट ना? यस. सो अगर मैं जीरो बाय जीरो का एक सॉरी सब्स्टिट्यूशन का एक एग्जांपल लूँ, बहुत इजी. जिस सब्स्टिट्यूशन मतलब जो चीज हमारी लाइफ थोड़ी सी इजी करे एक तरीके से, जैसे एक क्यूब रूट का क्वेश्चन है. जल्दी से पहले चेक करो, डीएस लगा के जीरो बाय जीरो है ना? यस सर.
yes. So, 0/0 है, अब rationalize करके शायद से हो भी जाए, बट कौन करे, दूसरा यूं सोचो, दूसरा मेथड ट्राई कर देंगे. तो सब्स्टिट्यूशन बहुत सारे क्वेश्चन में लगाना पड़ेगा चैप्टर में, धीरे धीरे कैलकुलस में सीखेंगे. सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, विच इज गेटिंग रिड ऑफ द ऑकवर्ड टर्म, कैन आई से लाइक दैट? यस सर. तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अटपटा टर्म कौन सा है, क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस एक्स, करेक्ट? Yes. तो जैसे स्क्वायर रूट होता है, कभी स्क्वायर रूट होता है तो एक्स को क्या रख लेना चाहिए तुम्हें, टी स्क्वायर, ताकि स्क्वायर रूट फट जाए. तो क्यूब रूट है, आई होप तुम्हें हिट हो ही गया. 7 माइनस एक्स को क्या रख दूंगा मैं, अगर किसी क्वेश्चन में क्यूब रूट भी होगा और सिक्स रूट या स्क्वायर रूट भी होगा तो मैं दोनों का एलसीएम रख दूंगा, करेक्ट एवरीवन? यस सर. यूज योर कॉमन सेंस टू पुट द सब्स्टिट्यूशन. तो एक तरीके से हर जगह x को मैं 7 माइनस टी क्यूब रख रहा हूँ, करेक्ट? सो पूरा क्वेश्चन जो है, बस बस आयुष, तो पूरा क्वेश्चन मुझे t में चेंज करना है. तो जब x माइनस 1 हो रहा है मुझे t भी निकालना पड़ेगा ना बच्चों? यस सर. इक्वल टू टी क्यूब, तो 8 इक्वल टू टी क्यूब, तो t इक्वल टू 2 रियल निकालना है, इसलिए t इक्वल टू 2, ओके? यस सर. तो लिमिट t टेंड्स टू 2, देखो क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस एक्स कितना सिंपल हो गया, टी माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स कितना हो गया, 7 माइनस टी क्यूब. तो आई होप यू एग्री विद मी कि यस क्वेश्चन हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल हो गया. देखो यस तो सब्स्टिट्यूशन वही करना है कि जो तुम्हें बिल्कुल फटाफट फायदा देते, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा रहा हूँ अभी, तो ये कैंसिल हो गया विद माइनस साइन एंड डी एस लगा के आंसर आ गया, करेक्ट? 4 + 4 + 4 12. Copy fast, next question. चलो ये दोनों क्वेश्चन करो. Thank you.
ठीक है उसका वन ठीक है ऊपर वाले का वन वन नहीं सॉरी कुशल का सही है सॉरी अच्छा चेक करो ध्यान से डीएस लगा के गलती कर रहे हो तुम कुछ बच्चे कुशल का सही है प्रत्यक्षिया ने को जो भी दोनों जवाब दिया था गलत दिया था ध्यान से करो ओके सेकंड का विनायक सही सुनीता रॉन्ग शिल्पी रॉन्ग दिया ओके करेक्ट सेकंड मतलब नीचे वाला करेक्ट नंबरिंग तो लिखा करो जो मैंने लिखा है वो लिखा करो यार ये सेकंड का ये थर्ड का ये सेकंड का आयुष सही दिया नहीं सही नहीं है यार ऊपर वाले में कोई इश्यू था ना आना चाहिए बच्चों एक्स को क्या रख रहे हो या क्यूब क्या रख रहे हो बताओ एक्स को टी क्यूब तो लिमिट टी टेंड्स टू वन ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस वन अपॉन टी क्यूब माइनस वन का होल स्क्वायर इसमें ऐसा क्या इश्यू कर रहे हो टी माइनस वन का होल स्क्वायर तुम्हें भी पता है यहाँ पे टी माइनस वन का होल स्क्वायर आएगा और टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन का होल स्क्वायर भी आएगा करेक्ट ना यस सर स्क्वायर आएगा ये ऐसा भूलो मत यार डी एस लगाने से वन बाय थ्री का स्क्वायर वन बाय नाइन नीचे वाला करो सत्या करेक्ट विनायक सही यस सही चलो करना है डिस्कस
आंसर 3/4 समर्थ सही और सही क्या बार बार मेरे को कॉट क्यूब दिख रहा है तो मैं ऑब्वियसली कॉटेक्स को टी रख दूंगा ना बस इतना सा सिखा रहा हूँ इसमें एवरीवन यस सर ये हो गया अब क्यूबिक को कैसे करेंगे मैंने तुम्हें बता दिया है कि टी टेंस टू वन है तो पक्का टी माइनस वन क्या होगा एक फैक्टर होगा ही होगा एग्री करूं यस सर ये सब टिप्स है तो पहले तो और मैं इसको थोड़े ऊपर को भी माइनस वन से नीचे को भी माइनस वन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि मुझे कंफर्टेबल लगे अब उसके बाद मुझे पता है दोनों जगह टी माइनस वन तो फैक्टर आएगा ही आएगा तो टी माइनस वन और ये निकालोगे तो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस टू आता है डीएस लगाया 3/4 कोई डाउट नो सर कैन आई गिव वन मोर एवरीवन यस सर यस ये वाला करूं देखा तो नहीं बोल दो नहीं देखा हाँ नहीं ओके बेटर सो हम्म सब्स्टिट्यूशन में जो हम चीज से सब्स्टिट्यूट करते हैं फिर वो लास्ट में आंसर के बाद वापस कुछ नहीं करते ना नहीं तो लिमिट की वैल्यू निकाल रहा है तो किसी का हेल्पिंग टूल ले रहा है तो वापस सब्स्टिट्यूट बैक करने की जरूरत नहीं है हम तो लिमिट की वैल्यू निकाल रहे हैं वो पूरा क्वेश्चन किसी और वेरिएबल में चेंज हो गया ना एक तरीके से तो दैट्स ओके ओके सर अरे वो आंसर नहीं है वो कुछ और है करो 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 Thank you.
क्या स्टार्टिंग तो करी वन प्लस ए को टी की बार सिक्स रख के थोड़ा कंफर्टेबल बनाया एवरीवन? यस यस बताओ फिर फाइनल आंसर ओके सही है आयुष सही है सनिका सर आर यू स्पीकिंग नहीं बच्चे अभी मैं कुछ नहीं अभी तो मैं वेट कर रहा हूँ आंसर्स का पार्ट सही चलो डिस्कस करते हैं अगर वन प्लस ए को टी की पावर सिक्स रखूंगा तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी टी स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टी क्यूब माइनस वन इंटू एक्स प्लस टी माइनस वन इक्वल टू जीरो तुम सबको दिख रहा है टी माइनस वन यहाँ पे कॉमन है दिख रहा है ना हाँ मतलब क्या तुम इमेजिन कर रहे हो कि मैं अगर इस क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला से रूट लिखूं तो यहाँ पे भी टी माइनस वन आ रहा होगा यहाँ पे भी फैक्टर में भी टी माइनस वन आ रहा होगा नीचे भी टी माइनस वन आ रहा होगा समझ रहे हो जीरो बाय जीरो फॉर्म के लिए आर यू अंडरस्टैंडिंग यस सर क्यों क्योंकि जब देखो मैंने ए टेंस टू जीरो प्लस पूछा है तब टी टेंस टू वन है मतलब टी टेंस टू वन पे मैं रूट्स की वैल्यू पूछ रहा हूँ एग्री करो यस सर तो वो जीरो बाय जीरो ही आने वाला था याद करो कम ऑन कंफर्टेबल हो हाँ भाई हेलो सर यस सर हाँ तो मतलब अगर मैं ये टी माइनस वन को उड़ा दू अब तो एक तरीके से यू कैन इमेजिन कि वो जीरो बाय जीरो को हम सॉल्व कर चुके हैं टी माइनस वन कैंसिल हो चुका है समझ रहे हो डीएस लगाने से आंसर आ जाएगा यस सर समझ में आया सबको टी माइनस वन है नहीं सो नाउ डीएस लगाऊंगा और इस क्वाड्रेटिक के जो दो रूट्स होंगे वो अल्फा नहीं है वो टी टेंस टू वन अल्फा है कम ऑन फील करो एग्री करो यस सो टी को वन रख दो क्योंकि तो डीएस लगा रहा हूँ टू एक्स स्क्वायर इतना इजी हो गया प्लस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो इसके रूट माइनस हाफ एंड माइनस वन वही आंसर है वही ये सब चीजें हैं समझ में आया बच्चों यस सर यस सर कॉपी फास्ट ओके नेक्स्ट पेज कर रहा हूं मैं अब आई होप हो गया तुम्हारा सर लास्ट वाला स्टेप नहीं समझा क्या नहीं समझा बच्चे
सर जो लिमिट t टेंस टू 1 प्लस किया वो नहीं समझा a टेंस टू 0 प्लस पे यहां से देख a टेंस टू 0 प्लस पे t कितना टेंड करेगा 1 प्लस ना यस सर अब समझ में आ गया यस सर मतलब लिमिट a टेंस टू 0 प्लस इज सेम एज लिमिट t टेंस टू 1 प्लस ऑफ अल्फा एंड लिमिट t टेंस टू 1 प्लस ऑफ व्हाट बीटा तो वो तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे भी लगा सकता था बट मुझे पता है कि उसके बाद वो क्या आता है जीरो बाय जीरो फॉर्म आता बट जैसे ही मैंने टी माइनस वन को हटा दिया वो जीरो बाय जीरो नहीं आएगा अब मैं फॉर्मूला में डीएस लगाऊं या क्वाड्रेटिक में डीएस लगाऊं बात तो एक ही है ना एवरीवन यस सर फोर्थ मेथड स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्मूला इतना काम का नहीं है बट ठीक है देख लो इसका आंसर चाहिए तो पहले प्रूफ ही कर लेते हैं तो आंसर अपना आप आ जाएगा इसका प्रूफ तो जाने कितने तरीके से कर सकता हूं मैं कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रूफ चलो रैशनलाइजेशन तुम बत नहीं रैशनलाइज का अंडर रूट तो नहीं एन कुछ भी हो सकता है इंटीजर भी हो सकता है रैशनल नंबर भी हो सकता है अच्छा तुम बताओ कि बाइनोमियल से करूं या फिर जीपी से करूं सर जीपी जीपी से जीपी से ओके सो ए की पावर एन ऊपर कॉमन लिया एक्स बाय ए की पावर एन माइनस वन नीचे ए कॉमन लिया कब दिख रहा है तुम्हें जीपी बता देना लिमिट एक्स टेंस टू ए a की पावर n माइनस वन इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन दिख रहा है नाला को यस सर हाँ जिसका ये फर्स्ट टाइम एक तरीके से कमन यस क्या होता है ये फॉर्मूला क्या होगा r माइनस वन रिवर्स फॉर्मूला इज विल बी व्हाट a प्लस ar प्लस ar स्क्वायर अप टू n टर्म्स ना यस सर Yes, sir. जैसे जीपी का फॉर्मूला लगा डिनोमिनेट हट जाएगा मतलब फिर डीएस लगाऊंगा उसके बाद Got it? Yes, sir. Yes. Yes, sir. This. Second term, this into R. R कौन है? X by. सही है? Next term, a की पावर n माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एंड सो ऑन ऐसे n टर्म्स हैं जल्दी से एग्री करो yes, sir. अब डीएस लगा दूंगा x को a रखूंगा तो ये वन वन कैंसिल हो जाएगा a. ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्या सबको दिख रहा है सारे टर्म एक जैसे होंगे ये यस सर तो क्या आंसर है फॉर्मूला का बता दो फिर तो n टाइम्स a की पावर n माइनस 1 n टाइम्स a की पावर n माइनस 1 सो कैन आई से इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए है नहीं मैं ट्रिक नहीं ट्रिक बता रहा हूं ना यूं मत कि प्रूफ मत मान लेना कैन आई से इसका डिफरेंशिएशन एक तरीके से कम ऑन एक तरीके से अप्लाई करने के लिए मतलब ताकि मुझे याद रहे बस काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन ना यस सर बट काइंड ऑफ मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन में चेन रूल भी आता है तुम चेन रूल वेन रूल मत कर देना समझ गए लिमिट एक्स टेंस टू थ्री एक्स की पावर कुछ भी हो 10 माइनस यहाँ पे 3 आएगा वापस फॉर्मूला लग जाएगा क्या एवरीवन यस सर 1/3 इंटू 5 की पावर माइनस 2/3 कॉपी करो प्रूफ की कोई जरूरत होती है कुछ कुछ प्रूफ से काफी सीखते हो यहाँ पे भी प्रूफ से कुछ तो सीख रहे हो बट इतना कोई काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट नहीं है बहुत सारे प्रूफ से बहुत सी चीजें सीखते हैं जो फिर किसी डिफिकल्ट क्वेश्चन में वो स्टेप लगता है तो बिल्कुल कॉपी ज्यादातर तो करना ही चाहिए
हो गया जस्ट मिनट सर एग्जांपल पे कॉपी कर लूं चलो ये चारों क्वेश्चंस करो जल्दी से सारे करो एक साथ डिस्कस करेंगे सारे सारे आंसर्स एक साथ सुनती
तो लास्ट वाले में एक्सटेंड्स टू 0 है कि 10 है एक्सटेंड्स टू 0 बच्चे 10 पे 10 पे तो डीएस नहीं लगा देगा ओके अच्छा फोर्थ में कुछ बच्चों को नहीं मिल रहा था फोर्थ बच्चों के लिए हिंट क्या है पहले सब्स्टिट्यूशन करो करेक्ट ना एवरीवन यस सर ओके चलो डिस्कस करते हैं हम अभी लल्लू पंजू क्वेश्चन है इसलिए मैं इंडिविजुअली यस और नो नहीं कर रहा हूँ कर सकते हैं अपन डिस्कस कितना हो गया ये 2 क्यूब तो 3 इनटू 2 स्क्वायर 12 करेक्ट एवरीवन यस यस सर यस ऐसे क्वेश्चन में क्या करूंगा मैं दोनों जगह डिवाइड कर दूंगा x माइनस 2 से और दो बार अप्लाई कर दूंगा करेक्ट ना एवरीवन यस सर प्लस आ रहा है फिर फॉर्मूला लग रहा है क्या तो भी लग रहा है माइनस ऑफ माइनस 3 की पावर 5 तो काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन बट एक्चुअल डिफरेंशिएशन नहीं तो डिफरेंशिएशन में तो चेन रूल से माइनस भी आता है करेक्ट ना हाँ तो ये तो डायरेक्ट बस ये आंसर है कितना है 405 इसमें 1 प्लस x को अपन t की पावर 5 रख देते हैं क्योंकि ताकि मेरे को कंफर्टेबल लगे t टेंड्स टू 1 t क्यूब आई थिंक सही लिखा मैंने हाँ बच्चों फिर दोनों जगह t माइनस 1 से कर दिया है करेक्ट ना यस 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 सर 3/5 गुड सनी का सारे सही थे वेरी गुड और इसके ऊपर वाला एक बार वही बच्चा उसके भी सही थे चैट पे दिख नहीं रहा यस जल्दी से आगे बढ़ना है कैन आई मूव या शुड आई वेट डन सर ओके लिमिट x टेंड्स टू 1 क्यूब रूट ऑफ x प्लस रूट x प्लस x रूट x माइनस 3 divided by x cube minus 1 करो
आंसर भेजो भाई। दिशा करेक्ट, गुड। अरे ये थ्री का क्या करना है? थ्री हिंट वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन। अभी भी आया नहीं यार, क्या है यार, डिसअपॉइंटेड। तो एक दिशा क्या है? चल डिस्कस करें आप तो, एवरीवन काफी टाइम दे दिया मैंने। यस डिस्कस कर रहे हैं। लिमिट एक्स टेंस टू वन, क्यूब रूट एक्स, एक्स की पावर वन बाय थ्री प्लस वन माइनस वन, रूट एक्स, एक्स की पावर हाफ माइनस वन, एक्स रूट एक्स, एक्स की पावर थ्री बाय टू माइनस वन, और नीचे है एक्स क्यूब माइनस वन। सब तड़प तड़प के क्या बोल रहे हैं एक तरीके से कि x माइनस वन से डिवाइड कर दो। एवरीवन यस सर, यस सर। x माइनस वन, x माइनस वन, x माइनस वन, x माइनस वन, तो फॉर्मूला लग जाएगा सब में, वन बाय थ्री इंटू वन की पावर कुछ भी होगा वन ही आएगा ना वैसे ही। कम ऑन,
हाँ भाई हाँ, इसका आंसर में क्या आएगा, 1/2 × 1 की पावर कुछ, 3/2 × 1 की पावर कुछ, नीचे आएगा 3 × 1 की पावर कुछ, इसका एलसीएम लोगे कितना आंसर आता है, 7/9। ठीक है, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? एनीबॉडी कोई डाउट? नो सर। आगे बढ़ूं? यस सर। ये वाला क्वेश्चन करो। करेक्ट शिवांग, करेक्ट रुद्रा, करेक्ट सानिध्य, चल अब तो सबका सही हो गया है, सानी का सही और कौन है, अनुषा सही, विनायक सही, प्लीज सी ऑन द स्क्रीन नाउ। अब ये तो बहुत आराम से होना चाहिए था, उस क्वेश्चन के बाद तो ये तो लल्लू लगना चाहिए ना एवरीवन। हाँ यस सर, यस सर। एक्स क्यूब माइनस वन, एक्स की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, तो सबको बस कर दो कि 1 + 2 + 3 + up to n हो जाएगा, n इनटू n प्लस 1/2। जल्दी से देखो एक बार। यस सर। चल आगे बढ़ रहे हैं।
अभी तक क्या करा है बच्चों, कहना इसे जीरो बाय जीरो फॉर्म ही देखा है एवरीवन? यस सर। सेकंड फॉर्म ऑफ इंफिनिटी बाय इंफिनिटी देखा है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। सो डायरेक्टली क्वेश्चन देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगर मैं ये क्वेश्चन दूं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, कुछ भी दे दूं यार। ऐसे क्वेश्चन में द फंडा इज, द टिप इज, वी लव टू क्रिएट 1 बाय x टाइप के टर्म्स, 1 बाय वेरिएबल वी लव टू क्रिएट। क्यों? क्योंकि वो कहां पे टेंड करेंगे बच्चों? As x tends to infinity, zero. And इसके लिए क्या करना है? Always take highest power of x common. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Limit x tends to infinity. ऊपर में x cube common लिया, क्या आ गया? 4 minus 3 by x. प्लस 1 बाय एक्स क्यूब। नीचे एक्स क्यूब कॉमन लिया, 7 माइनस 5 बाय कुछ भी आ रहा है, डज दैट मैटर क्या? नो सर। नो सर, भविष्य तो वैसे ही जीरो है ना, है ना? यस सर। 4 बाय 7 कॉपी, इजी चीज है सर। एक्स स्क्वायर कैसे कट होगा क्या बच्चे? एक्स स्क्वायर कैसे कट होगा 2 बाय एक्स स्क्वायर? क्वेश्चन पूछ रहा है यार, अगर 2 बाय x कहां, वो जैसे 5 बाय x क्या हो गया, वो क्यों कट हो गया? कट नहीं हुआ बच्चे, जीरो पे हो गया है, जीरो वैल्यू जा रही है, समझ गया? यस हो गया सबका कॉपी? कैन आई स्किप द पेज नाउ? यस सर। यस सर। चारों क्वेश्चन करो।
सर वो फोर्थ वाले में x tends to minus infinity है ना? Yes, minus infinity. कुशल गलतियां हैं बहुत ज्यादा, ध्यान से कर. जस्ट कमिंग इन वन मिनट, जल्दी से करके रखो. थर्ड का आंसर जीरो तो नहीं होगा ना बच्चों? यार ये बार करोगे तमाम एक्स की पावर फोर बार आएगा, ऑब्वियसली फाइनाइट आंसर आएगा. वेटिंग फॉर यू, कमॉन. Sonika, last one not correct, third one and fourth one not correct. Snail, last one mistake. Sanidhya, last mistake. Poonna, last mistake. Last sabki galti hogi, tum nalayak ho. Vinayak, last mistake. Isliye tumne dekha nahi maine third aur fourth ko parallel hi diya hai aur ek jaisa diya hai. Agreed? इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी का कुछ तो डिफरेंस होगा, कुछ तो इज्जत रखो उनकी. लास्ट नाउ फॉर ऑल फोर क्वेश्चंस, नो पार्ट लास्ट गलत है. यस ये सही है, यश का पहला सही आया. वेरी गुड, दिया ने सही सोचा है बट गलत लिखा है. नो रुद्रा. नो पार्थ. नो पूर्णा. ओके दिया करेक्ट, श्रीनाथ करेक्ट. चल डिस्कस करेंगे, बहुत देर बाद तुमने रियलाइज किया है. अनुषा नौ बनाए, क्या करा. ओके इसका आंसर माइनस थ्री, किसी को डाउट? स्क्रीन शेयर है.
सेकंड का आंसर ऑब्वियसली नीचे x की पावर बड़ी ज्यादा बची है तो 1 / x की तरह 0 हो गया. ढंग से समझाना या ओके? यस सर. यस सर. यस मतलब क्या समझाऊं या ओके? ओके सर. ओके. थर्ड का आंसर x to power infinity x की पावर 4 हाईएस्ट बार लोगे 5 - 2 / x की पावर 4 अंडर रूट ऑफ x की पावर 8 x की पावर 4 बार आया 1 + 3 / x की. इन सब का भविष्य तो वैसे ही 0 है ना? यस सर. तो ये सब 0, 5 ऊपर बचेगा ऑब्वियसली, नीचे अंडर रूट ऑफ 1, तो आंसर इज 5. यस सर. सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ इज, अभी तुम्हें फील आएगा कि यहाँ पे भी मैं x स्क्वायर बाहर निकालूंगा बट x स्क्वायर बाहर नहीं आ रहा है, अंडर रूट x स्क्वायर बाहर आ रहा है. जल्दी से एग्री करो पहले तो. यस सर. मैं अंडर रूट x स्क्वायर पे इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ? एनीबॉडी? मॉड x हो जाएगा. मॉड x होगा वो. और मॉड x कैसे ओपन होगा? मॉड x कैसे ओपन होगा जल्दी बताओ? माइनस के साथ. क्यों? क्योंकि x नेगेटिव है. हाँ है ना? यस सर. यस सर. वो पहले वाले क्वेश्चन में नहीं, क्यों क्यों नहीं इन्वॉल्वमेंट हुआ? क्यों? क्योंकि वहां पे भले मॉड रखते हैं बट वो तो x की पावर 4 है, वो तो पॉजिटिव के साथ ही ओपन होगा ना. एवरीवन? यस. सो ये 0 हो गया, ये x x कट गया, इसका आंसर कितना है? -1/3. तो ध्यान रखा करो. फिनिश इट ऑफ फास्ट. सर अभी ये मॉड वाला पार्ट एक बार समझा सकते हैं? हाँ बच्चे, एक बार कॉपी कर ले फिर मुझे बता. कर लिया कॉपी? यस. अच्छा यहाँ पे देख, अंडर रूट एक्स की पावर 8 बार आया, एग्री कर रहा है? यस. बट वो क्या होगा? मॉड एक्स की पावर 4, करेक्ट? समझाने की जरूरत है आयुष. x की पावर 4 हमेशा पॉजिटिव होता है तो ये मॉड तो प्लस के साथ ही ओपन होगा ना. यस. यहाँ पे मॉड x है, मॉड प्लस के साथ भी हो सकता है, माइनस के साथ भी हो सकता है, बट x नेगेटिव है इसलिए कैसे ओपन होगा? माइनस के साथ. समझे सर? समझा सर. कैन आई चेंज द पेज एवरीवन? यस 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 सर. चलो दो क्वेश्चन और फटाफट करो. ना सनिका, ध्यान से कर. पावर्स भी हैं, पावर मैटर करेगी.
करेक्ट बनाया, करेक्ट गुरुदेव, करेक्ट दिया, करेक्ट आयुष, करेक्ट शिवांग। ऊपर वाला तो सबको दिख गया, हाईएस्ट पावर लेना पड़ता है तो x की पावर 40, करेक्ट ना, x की पावर 10 50 हो गया और x की पावर 2 का 25 50। तो अब इतना सीख गए हो कि सिर्फ डायरेक्ट उनके कोफिशिएंट ही मैटर करते हैं। 1 की पावर 40 इनटू 5 की पावर 10 अपॉन 3 की पावर 25। क्या ये अब सबको इतना फास्ट समझ में आता है? यस एवरीवन, सबसे पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि सिर्फ हाईएस्ट कोफिशिएंट, हाईएस्ट पावर्स मैटर करती है, तो उन्हीं के कोफिशिएंट ही मैटर करेंगे ना एवरीवन। यस सर, आई होप ये समझ में आ गया। नेक्स्ट करो। ओके एवरीवन, जल्दी सिक्स बताओ, कम ऑन। हाईएस्ट कोफिशिएंट मैटर, हाईएस्ट पावर्स, ये एक्स की पावर हाफ है और ये एक्स की पावर 1/3 है, कौन बड़ा है उनमें से? सर हाफ। तो सिर्फ उसके कोफिशिएंट मैटर करते हैं, बाकी सबका तो भविष्य क्या है, जीरो ही होना है, समझ में आ रहा है ना? तो तुम अगर इंटेलिजेंट हो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, सिर्फ ये देखोगे, अच्छा इसका कोफिशिएंट 4 और इसका कोफिशिएंट, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट √4, बस बताओ कितने बच्चों को समझ में आया इतना फास्ट? यस सर। यस सर, एवरीवन गॉट इट पक्का? यस सर। किसी को डाउट सिक्स में? नो डाउट सर। नो सर। आई होप ये क्लियर है। अब सुन लो एक चीज, ये टॉपिक थोड़ा सा और क्वेश्चंस भी कराना है मुझे, बट क्वेश्चन अब इसमें SNS के मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस शीट आई वांट यू टू ट्राई एंड कम, बट मैं थोड़े क्वेश्चन और कराऊंगा तो चलेगा? उसमें थोड़ा डाउट आएंगे भेज दूं तो भी इसकी? यस सर। और तुम नोट्स रिवाइज करके ये सब क्वेश्चन करोगे? SNS के क्वेश्चन दिख रहे हैं जो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी पे है, ओके? यस। जैसे मेरे साथ देखो, ये ऊपर वाले ये सब तो कर लोगे, ये इस वाले क्वेश्चन को देखो और बताओ फर्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए। SNS का क्वेश्चन है ये, कम ऑन एग्री करो ऐसे तो, कम ऑन। यस सर। ये जनरल टर्म के थ्रू इसकी वैल्यू सिंपलीफाई करोगे, वो n के टर्म्स में रखोगे, फिर वो इनफिनिटी बाय इनफिनिटी का क्वेश्चन बनेगा, क्लियर है? यस। सो जब ये नोट्स रिवाइज करो, ये क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना, ग्रुप पे डिस्कस करना आंसर वंसर, मैं भी रिप्लाई कर दूंगा जब भी देखूंगा, एंड देन ओनली मूव ऑन टू प्रैक्टिस शीट, पहले ये अटेम्प्ट करना, क्लियर? यस सर। यस सर। कोई डाउट? अदरवाइज यू कैन गो, आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू। थैंक यू।